उठाए गए नाम, वर्ण, व्यवसाय, स्थान और घटनाएं सभी काल्पनिक है। इसका किसी मृत्यु व्यक्ति या जीवित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी वास्तविक घटना या चरित्र से कोई संबंध पाया जाता है तो यह मात्र एक संयोग होगा। इस वीडियो में कुछ डरावने तत्व दिखाए गए हैं और उसे परिपक्व को दर्शकों के लिए उपयुक्त है। काई ओना। जिंदगी में हमारी मुलाकात कई लोगों से होती है और हर मुलाकात का अपना एक एहसास होता है। पर क्या हो अगर एक मुलाकात आपकी जिंदगी ही बर्बाद कर दे। ये कहानी जापान में रहने वाले एक लड़के उनाकी की है। उनाकी की जिंदगी काफी सिंपल थी। दिन में कॉलेज की क्लासेस होती थी, शाम लाइब्रेरी में बैठे असाइनमेंट सॉल्व करते हुए निकल जाती थी और रात कंप्यूटर गेमिंग में गुजरती थी। पर 21 अक्टूबर की रात उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। उनाकी अक्सर कॉलेज से सीधा लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करता था। उस दिन उनाकी काफी थका हुआ था, इसलिए उसकी आंख लाइब्रेरी में ही लग गई और जब आंख खुली तो उसने देखा कि घड़ी में रात के 12:30 बज रहे हैं। उनाकी कभी भी इतनी देर रात अपने घर से बाहर नहीं रहता था। उसने फटाफट से अपने सामान को पैक किया और अपने घर की ओर निकल गया। उनाकी का घर लाइब्रेरी से करीब 20 मिनट दूर था, पर उसके घर जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता भी था जिससे वो बस 10 मिनट में पहुंच जाता था। लेकिन उसे सब लोग उस शॉर्टकट को लेने से अक्सर मना किया करते थे। उस शॉर्टकट वाले रास्ते पर कोई भी लैंप या रोशनी नहीं थी। उस रास्ते पर बिल्कुल अंधेरा रहता था और लोग कहते थे कि उस अंधेरे में अकाई ओना रहती है। अकाई ओना जापान का एक मिस्टीरियस हॉरर लेजेंड था। कहते हैं कि बहुत से लोगों को रात के अंधेरे में एक रेड ड्रेस में लड़की दिखाई देती है और उस लड़की के चेहरे को अगर कोई देख लेता है तो वो लड़की उसके पीछे एक साए की तरह पड़ जाती है। कई लोग या तो गायब हो गए या मरे हुए पाए गए, पर उनाकी अकाई ओना को बस एक हॉरर लेजेंड मानता था। और तो और वो पहले भी कई बार उस शॉर्टकट से घर गया था और उसे कभी ऐसा कुछ नहीं मिला, पर ये पहली बार था जब इतनी रात हो चुकी थी। उनाकी को बहुत तेज नींद आ रही थी और वो बिना कुछ सोचे उसी शॉर्टकट वाले रास्ते पर चल दिया। शुरुआत में उनाकी को उस रास्ते पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर धीरे धीरे हल्की आसमान की रोशनी में उसे थोड़ा बहुत रास्ता दिखाई देने लगा। कुछ दूर चलते ही अचानक उनाकी को दीवार के पास एक औरत खड़ी दिखाई दी। उस औरत ने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। उनाकी को अचानक से घबराहट होने लगी। वो उस औरत का चेहरा देख नहीं पा रहा था और वो बस चुपचाप एक जगह खड़ी थी। उनाकी को बहुत अजीब लगा कि इतनी रात में ये औरत क्यों दीवार के पास खड़ी है, और तो और उसने एक लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई है। उसे एक पल के लिए लगने लगा कि अकाई ओना का लेजेंड कहीं सच तो नहीं। फिर भी उनाकी बिना कुछ बोले अपना सर झुकाए आगे चलता रहा। लेकिन जैसे ही उनाकी उस औरत के पास से गुजरा, उससे रहा नहीं गया और उसने नजर उठाकर उस औरत के चेहरे को देख लिया और उसके होश उड़ गए। चेहरा भयानक था, इतना सफेद कि ऐसा लग रहा था कि वहां पर किसी औरत की लाश खड़ी हुई है। इतना अजीब चेहरा उनाकी ने आज तक नहीं देखा था। उनाकी उस औरत को देखकर बहुत डर गया और वहां से जल्दी से भाग गया। जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचा। उनाकी ने जो देखा वो उसे भुला नहीं पा रहा था। उस औरत का चेहरा मानो उसके दिमाग के अंदर छप गया था। अगले दिन उनाकी अपनी उसी रूटीन के साथ जिंदगी जीने लगा, पर अब शाम होते ही उसके साथ कुछ अजीब होने लगा था। उसे ऐसा महसूस होता कि जैसे उसके आसपास कोई मौजूद है जो उस पर नजर गड़ाए बैठा हुआ है। ऐसी ही एक रात उनाकी अपने बिस्तर पर चादर ओढ़कर सो रहा था, तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसकी चादर को नीचे की तरफ से खींचा। उनाकी की नींद खुल गई। उसने सहमी नजरों से इधर उधर देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा, पर तभी उसकी आंखों के सामने एक लाल परछाई तेजी से कमरे की खिड़की के बाहर चली गई। उनाकी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो पागल होता जा रहा है। उसने खुद को समझाया कि यह सब उसका वहम था और जबरदस्ती अपनी आंखें बंद करके छत की तरफ मुंह करके सो गया। कुछ देर तक सोने की कोशिश करने के बाद उनाकी ने बेचैनी में अपनी आंख खोली और फिर जो उसे दिखा वो इस दुनिया के ही परे था। उसके कमरे की छत पर बिस्तर के ठीक ऊपर वही लाल ड्रेस वाली लड़की दीवार से चिपकी हुई उसे घूरे जा रही थी। उनाकी जोर से चीखा और वहीं उसकी नींद खुल गई।
मागी को अब समझ आया कि वो असल में ये सब एक सपने में देख रहा था। उसका गला बुरी तरह सूख गया और पूरा शरीर पसीने पसीने में भीगा था। तभी वो उठकर पानी पीने लगा। पानी पीते हुए नाकी की नजर अपने कमरे की खिड़की पर गई और उसके हाथ से उसका पानी का गिलास छूट गया। खिड़की के ठीक बाहर वही लाल ड्रेस वाली औरत खड़ी थी और वो अपने उसी भयानक चेहरे से नाकी को घूरे जा रही थी। लेकिन नाकी ने जैसे ही लाइट्स ऑन की तो उसने देखा कि खिड़की पर कोई नहीं है। दिन ब दिन ये सब इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे थे। उसे हर जगह अकाई ओना दिखने लगी थी। नाकी ने अपने कुछ दोस्तों से भी इस बारे में बात की पर किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि कहीं वो अब गायब तो नहीं हो जाएगा। नाकी का डर बढ़ता ही जा रहा था। उसने डिसाइड किया कि वो पुलिस स्टेशन जाकर वहां से मदद मांगेगा। पर तभी उसे अपने घर के मेन गेट खुलने की आवाज आई। नाकी हिम्मत करके बाहर देखने गया तो उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा पूरा खुला हुआ था और बाहर से तेज हवाएं अंदर आ रही थीं। नाकी ने अपने एक दोस्त को सब कुछ बताने के लिए फोन मिलाया। नाकी बस अपने साथ हुए इंसिडेंट्स के बारे में बोलता चला गया। तभी बात करते करते वो एकदम से रुक गया क्योंकि उसे अपनी गर्दन के ऊपर किसी की सांसें महसूस हुईं। नाकी समझ गया कि उसके पीछे कोई खड़ा था। एकदम से उसे एक हाथ अपनी गर्दन पर आता हुआ महसूस हुआ। जब नाकी ने शीशे में देखा तो वो कांप उठा। अकाई ओना उसके ठीक पीछे खड़ी थी। नाकी ने घबराते हुए अपने दोस्त से फोन पर कहा, अकाई ओना वो मुझे लेने आई है, वो मुझे लेने आ गई है। कुछ ही देर बाद नाकी का दोस्त उसके घर पहुंचा। नाकी का पूरा घर तहस नहस हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे घर के अंदर कोई तूफान आया हो। उसके दोस्त ने पूरा घर ढूंढा पर नाकी कहीं भी नहीं था। नाकी अपने ही घर से गायब था और उस दिन के बाद वो कभी किसी को नहीं मिला। आज तक कोई नहीं जानता कि नाकी के साथ आखिर हुआ क्या था, कौन है अकाई ओना और क्यों वो जापान में लोगों को गायब कर रही है। इन सभी सवालों के जवाब तो हमारे पास नहीं है, पर हम सिर्फ इतना जानते हैं, अगर आपको कभी कोई ऐसी औरत किसी अंधेरी गली में खड़ी दिखाई दे तो वहां से वापस मुड़ जाना ही बेहतर है।